नासदासीन् नो सदासीत् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्बः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टिते पहले सत् नहीं था असत् भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था। इलंगो अडिगल के महाकाव्य शिलपदिकारम में कन्नगी और कोवलन एक बार बिछड़ने के बाद फिर से मिले और दोनों ने नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। वो पुहार शहर को छोड़कर मदुरई की ओर निकल पड़े। उनकी एकमात्र पूंजी थी कन्नगी के रत्न जड़े सुहाग के नुपुर, शिक्षाओं का उदाहरण दिया। और कितनी दूर है? बस आ ही गया समझो, 150 कोस और है। क्या कहा था, यात्रा बड़ी कठिन होगी। थोड़ा विश्राम कर ले। वो चबूतरा देखो पेड़ के नीचे, वहाँ जैन साध्वी कावुंडी रहती हैं, वहीं चलते हैं, उनके दर्शन भी कर लेंगे। नमस्कार अम्मा। सुखी रहो, सत्य पथ पर चलो। आपकी आज्ञा हो तो हम थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लें। अवश्य आओ। पहले ये बताओ कि हो कौन और नगर से इतने दूर जंगल में क्यों भटक रहे हो? मेरा नाम कोवलन है और ये है मेरी पत्नी कन्नगी। पुहार से आए हो? हाँ। जा कहाँ रहे हो? मदुरे। पता है यहाँ से 150 कोस दूर है? जी पता है। देखो तो इसकी पाँव की दशा, ये कोमलांगी चल सकेगी वहाँ तक? चलना ही होगा, और कोई चारा भी तो नहीं। ऐसी दशा ही क्यों होने दी इसकी? अच्छे घर आने के लगते हो, इतनी दूर क्यों जा रहे हो सब छोड़कर? अपने ही दुष्कर्मों के कारण। इस बेचारी का कोई दोष नहीं, मैं ही बुरी राह पर चल पड़ा था, सब कुछ लुटा बैठा। अब मदुरे जाकर ही कुछ करूंगा। किंतु मदुरे की यात्रा बड़ी कठिन है, पथरीले राह, घने जंगल, पहाड़ों की चढ़ाई, पार कर सकोगे सब? अपनी पत्नी की दशा तो देखो। आपके आशीर्वाद से पार कर लेंगे, पहुंचेंगे किसी तरह से। अब प्रण कर लिया है तो पहुंच ही जाओगे। मेरी भी बड़ी इच्छा थी मदुरे जाने की, संत महात्माओं के दर्शन के लिए।
मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। ये तो वरदान होगा हमारे लिए। आप हमारे साथ चलेंगी तो मुझे इसकी चिंता नहीं रहेगी। किंतु पथरीली राह तो पथरीली रहेंगे। नहीं रहेंगे, आप चलिए तो अब मुझे किसी बात का डर नहीं रहेगा। बस बस बाकी बातें राह में कर लेना, बहुत लंबी यात्रा है, चलो देर ना करो। वहां है मंदिरों का नगर श्रीरंगम, नदी के उस पार। नदी पार कर लेंगे, वहां विश्राम करेंगे। चलो जाती हो बार बार, यहाँ आओ मेरे पास। अरे भाग्यवान हो। नहीं नहीं, यहाँ नहीं। क्यों, क्या हुआ? क्या सुंदर मुखड़ा है, जैसे चांद का टुकड़ा हो। लो कामदेव भी जाग गए। क्यों साध्वी अम्मा, कौन है ये सुंदर किशोर? बच्चे हैं मेरे, तुम्हें क्या लेना देना, जाओ यहाँ से। बच्चे? अरे तुम लोगों को तो ब्याह करने की अनुमति नहीं, फिर ये बिना ब्याह के बच्चे। अगर ये तुम्हारे बच्चे हैं तो ये मेरी बहन है। सुना नहीं, चले जाओ, विश्राम करने दो इन्हें। अच्छा अच्छा, करो पूरा विश्राम करो। लेकिन ये तो बता दो कि भाई बहन में ब्याह। अरे नीच अधम, जैसा मैला मन वैसी मैली वाणी, समझाने पर भी माना नहीं तो ले, तुझे दंड मिलेगा। तुम दोनों सियार बनकर जंगल जंगल हुआ हुआ करते फिरोगे, जाओ। अब वो यहां नहीं आ पाएंगे। कितने असभ्य हैं, उनको ये नहीं मालूम कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हर बात का मूल्य चुकाना पड़ता है कोवलन। किंतु सियार का जीवन, शाप से उन्हें कब मुक्ति मिलेगी? दया भी आ गई उन पर। एक वर्ष बाद वापस मनुष्य नहीं पाएंगे। बस तो पाप से मुक्ति संभव है। कोवलन थोड़ा दिशाभ्रम हो गया है, पता नहीं ये मार्ग है या वो। अम्मा आगे किसी गांव में पूछते हैं। ओ पंडित जी, जरा सुनिए। पंडित जी सुनिए। आओ सती आओ, कहाँ चल दी? क्या कहती हैं ये स्त्रियां, क्या तुम्हारे साथ हैं? हाँ मथुरे जा रहा हूँ, क्या बता सकेंगे कि कौन सा मार्ग जाता है मथुरे? अरे क्या 10 मार्ग बता देंगे मदुरई, पर आपने समय ठीक नहीं चुना। वो क्या कहते हैं कि आजकल पर्वत के जंगल सब सूख जाते हैं, बिना छाया पथरीले मार्गों पर चलना बड़ा दुखी करता है, और पत्थर भी ऐसे नुकीले कि चलते चलते दादा दादी याद आ जाए। बड़े बड़े पर्वत पार करना, रक्तशाओं से जूझना, गहरी गहरी नदियां पार करना, तब जाकर कहीं पहुंचोगे कौडम्बई, और वहां से फूटते हैं 3 मार्ग।
अगर दाई तरफ का मार्ग पकड़ा तो तपते झलसते जंगल मिलेंगे, पानी की खोज में भटकते हुए हिरन मिलेंगे, बर्बर शिकारियों के खेमे मिलेंगे, उसके आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, तब कहीं जाकर पहुंचोगे पांड्या के पवित्र पर्वत तिरुमले, समझे? और पर्वत का अगर बायां मार्ग पकड़ा तो क्या कहते हैं, सीधे मदुरई। और जो अगर पकड़ा बायां मार्ग तो नीचे के मैदानों को पार करने के बाद वो क्या कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, हाँ, भगवान विष्णु का पर्वत मिलेगा। उसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सुरंग है, बिल्कुल अंधेरी। अगर हिम्मत करके उसे पार कर गई तो उसके अंत में तीन बड़े ही विचित्र सरोवर मिलेंगे। पहले सरोवर में डुबकी लगाई तो स्वर्ग में बोले जाने वाली देवताओं की भाषा का ज्ञान हो जाएगा, और दूसरे में डुबकी लगाई तो अपने पिछले कर्मों का लेखा जोखा सामने, और तीसरे का नाम है कामना पूर्ति। डुबकी लगाई और जो चाहोगे वही मिलेगा तुरंत। देखा, जो जीवन भर की तप और साधना से दुर्लभ है वो इस रास्ते से कितना सरल है, क्या कहते हैं, उसे पाना। और रहा तीसरा मार्ग, उस पर जाओगे तो सुंदर सुंदर गांव मिलेंगे, कटीले जंगल मिलेंगे, हाँ एक प्रेत भी मिलेगा, पर चिंता मत करना, वो हालचाल पूछ करके जाने देता है, और सीधे मदुरई। अब बताओ तुम कौन सा मार्ग चुनोगे? ब्रह्मात्मा, प्रवचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुरंग से गुजरकर अपने ठिकाने पहुंचने की हमारी इच्छा नहीं है, और पूर्व जन्मों के कर्मों का आभास हमें इस जन्म के कर्मों से हो जाता है। जो सत्य मार्ग पर चलता है, जिसके मन में दूसरे के प्रति दया है, प्रेम है, वो क्या नहीं कर सकता। आप अपनी राह जाइए, हम अपना मार्ग चुन लेंगे। वो क्या कहते हैं कि जैसी हरि की इच्छा। बच्चा वहां से थोड़ा पानी ले आ जा। अच्छा अम्मा। नमस्कार स्वामी, बड़े कष्टों के बाद आपको खोज पाई हूँ। माधवी अक्का का संदेश लाई हूँ। आपके चले जाने का समाचार सुनते ही वो मूर्छित हो गई, न खाना न पीना, को भवन में बैठी विलाप कर रही है। दया कीजिए स्वामी, वापस चलिए, वापस चलिए स्वामी, नहीं तो माधवी अक्का अपने प्राण त्याग देगी। पानी अम्मा, कन्नक पानी पी ले। तुम्हें क्या हो गया, किसी बाघ चीते ने दौड़ा लिया क्या? अम्मा जंगल में बहुत अप्सराए हैं, उनसे बचकर चला रहा हूँ। अप्सराए? हाँ अम्मा, ये मंदिर आखे टको की देवी आई आई का नगाड़े सुन रहे हो? हाँ, वो लोग यहाँ पहुँचने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे नहीं, वो असभ्य अवश्य हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं कहेंगे, डरो नहीं। सोने की आभूषण वाली गुणशालिनी आई है, सोने के आभूषण वाली गुणशालिनी आई है, रूप सुंदरी वसन मनोहर विजय देवी जैसी तेजोमयी, रूप सुंदरी वसन मनोहर विजय देवी जैसी तेजोमयी, निष्कलंक सास का गूंजा नाम वरवर कुल वहे भय, निष्कलंक सास का गूंजा नाम वरवर कुल वहे भय, उसी वंश के सोने में पायल धारिणी आई है, उसी वंश के
देखो अपनी राजकुमारी आई, कोंगनाड़ की राजकुमारी, दक्षिण तमिलनाडु की महारानी, महान साधवी राजकुमारी थी। जय सोने के आभूषण वाली गुणशालिनी आई है। राजकुमारी जी कैसा लग रहा है? अम्मा कन्नगी अब और धूप नहीं सह पाएगी, तो हम रात में ही यात्रा करें। सुना है पांड्या राज्य में रात में भी जंगल की यात्रा सुरक्षित है। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अच्छा, रात में यात्रा के समय हमें हाथी, शेर, भालू सब मिल सकते हैं और तरह तरह के जानवर, तो तुम डरना नहीं है। वो अपनी राह चले जाएंगे और हम अपनी राह चलते रहेंगे, और अगर बादल भी गरजे तो भी मत डरना, मैं जो हूं। जय जय शिव सूत मुरुगन तेरी लीला अपरंपार, जय जय शिव सूत मुरुगन तेरी लीला अपरंपार। असुरों के वध से है मुरुगन, लाल हुई धरती है मुरुगन, लाल हुई धरती है। आप पुहार के कोवलन हैं जी, आपका परिचय? मैं भी पुहार का हूं, मेरा नाम कौशिकन है। बहुत दिनों से आपको खोज रहा हूं। मुझे? हाँ। क्यों? आपके माता पिता बहुत दुखी है, आपके इस तरह चले जाने का उनको कुछ कारण तक पता नहीं, और माधवी, अगर माधवी ने आपको भेजा है तो आपने बेकार तकलीफ की। मैं पुहार वापस जाने वाला नहीं। एक पत्र तो पढ़ लीजिए। मेरे देवता को दासी माधवी का प्रणाम। प्राणनाथ, दासी बहुत दंड भोग चुकी, अब तो क्षमा कर दीजिए। ऐसा भी मैंने क्या अपराध किया था कि सहसा अपने नगर ही छोड़ दिया, अपने पूज्य माता पिता को भी नहीं बताया? ऐसा क्यों किया? प्राणों से भी प्रिय स्वामी, आप दयालु हैं, सहृदय हैं। पूरा विश्वास है कि दासी को क्षमा मिल जाएगी और आप वापस आकर मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे। आपकी प्रतीक्षा में चरणों की दासी माधवी। भाई कौशिकन, आप पुहार वापस चले जाइए और मेरे माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा, और ये पत्र भी उन्हें दे दीजिएगा, जिससे उनकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी। आप वापस नहीं लौटेंगे? नहीं, मुझे मदुरै जाना है। अब यहाँ से कितनी दूर है मदुरै? दूर? ये तो यहाँ ही है। अच्छा, नमस्कार। Mm-hmm.
पधारो अम्मा, थकी हो, विश्राम करो। प्यास लगी है, लो दूध पियो। क्या नाम है तुम्हारा? माधवी। पास ही ग्वालों का एक गांव है, वहीं रहती हूँ। हम लोग संत महात्माओं की सेवा करते हैं। बड़े पुण्य का काम है। और दूध लेंगी? नहीं, बहुत पी लिया। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, और भी कई मुनियों की सेवा करनी है। अम्मा, मैं नगर जाकर तुरंत काम शुरू करना चाहता हूँ। धीरज रखो, अभी तो तुम यहाँ पहुँचे हो। लेकिन हम यहाँ अपना समय नष्ट कर रहे हैं। इसके विषय में सोचो, थकी है बेचारी। इस बेचारी की हालत देखकर ही तो मैं जल्दी मचा रहा हूँ। मेरे कारण इसको कितने कष्ट उठाने पड़े, जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही अच्छा है। तुम्हें सावधान कर दूं कोवलन, पिछले जन्मों में तुमने जो पुण्य कमाए थे अब शून्य हो चुके हैं। अब तुम्हें दुर्भाग्य से जूझने के लिए तैयार होना चाहिए। मनुष्य जो बोता है वही काटता है, और दुर्भाग्य आने पर स्वयं के अज्ञान से निर्मित दुख के सागर में शरण नहीं मिलती। भाग्य में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा अम्मा, इसीलिए यहाँ आया हूँ। मुझे अपनी नहीं कन्नगी की चिंता है। आप मेरी चिंता ना करें। कैसे न करूं? पोलन, तुम्हारे अनुमान से अधिक शक्ति है इसमें। तुम्हारा सौभाग्य है कि सुख में और तुम्हारे कमाए हुए दुख में भी ये साथ निभा रही है। मैं इसका आभारी हूँ अम्मा। केवल आभार से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो तुम रह नहीं सकते, पहले घर का प्रबंध करो, फिर भाग्य की परीक्षा लो, और भाग्य तुम्हारी परीक्षा ले। माद्री। और दूध अम्मा? नहीं, एक काम है तुमसे। आगे कीजिए। ये दोनों पुहार के धनी परिवारों से हैं। यहाँ के व्यापारियों को पता चलेगा तो इन्हें अपने घर ले जाने में वो अपना सम्मान मानेंगे। जब तक ये नहीं हो रहा है, मैं चाहती हूँ ये तुम्हारे साथ रहे। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। इसका विशेष ध्यान रखना, भले घर की है, सैकड़ों कोस की कठिन यात्रा में भी आह तक नहीं निकली इसकी। थकी है, दुखी है, दासी बनकर सेवा करो, माँ बनकर वात्सल्य दो, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा। चलो बच्चों। अब कहने को कुछ भी शेष नहीं है, मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बेटी है, तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी सेवा करेगी। इसे अपना ही घर समझो और जब तक जी चाहे रहो। हम आपके बहुत आभारी हैं। आओ आका। ऐसा कोई नहीं कह सकता, कितनी कठिन यात्रा करके आज ही आई हो। जैसे वो सब एक सपना था। हाँ, बिल्कुल वैसा ही जब आप मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरे कारण तुम्हें बहुत लज्जित होना पड़ा। मुझे सिर्फ एक ही बात का दुख है कि मैं कुलवधु का कर्तव्य ठीक तरह से नहीं निभा पाई। चाहती थी कि अपना दुख उजागर ना हो,
परंतु हम दोनों होने के हाथों मजबूर थे। कन्नगी, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा बुरा ही किया, फिर भी तुम मेरे साथ चली आई। फुहार में मिली मानसिक यात्राएं क्या कम थी जो इतनी कठिन यात्रा पर मेरे साथ चल दी? क्या सोचकर, जबकि सब कुछ अनिश्चित है, जीवन भविष्य। मैं ऐसी बातें नहीं सोचती, सिर्फ अपना कर्तव्य निभाती हूँ बस। मेरे साथ आकर तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, नहीं तो पश्चाताप की संभावना ही न रह जाती। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? इसे बेचकर स्वर्ण मुद्राएं ले आइए नए जीवन के शुभारंभ के लिए। बताइए अपने घर के बारे में। कुहार वाला घर कहाँ, वो तो एक विशाल भवन था, बहुत बड़ा, बहुत ऊंचा। इनके पिताजी ने खास हमारे लिए बनवाया था। बहुत ऊंचे ऊंचे और बड़े बड़े द्वार थे और उन पर बकरी, मोर, हंस, गाय, भैंस सभी बने थे। और ऊंचा तो इतना था कि अटारी पर खड़े हो जाओ तो सारा कुहार नगर दिखता था। अच्छा, इतना अच्छा घर छोड़ क्यों दिया? भाग्य में मदुरई जो लिखा था। हमारा मदुरई भी बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर। हमारे राजा के न्याय की चर्चा तो दूर दूर तक है, तुम्हें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। अम्मा, स्वामी को गए हुए बहुत देर हो गई है। आ जाएंगे, चिंता ना करो। नगर देखने गए हैं, थोड़ा समय तो लगेगा ही। ऐसी उतावली अच्छी नहीं। अम्मा, मक्खन बन ही नहीं रहा। अब चुकू। हे भगवान, क्या होने जा रहा है? अम्मा, मेरे स्वामी। चिंता ना करो, आ जाएंगे। आई आई, अपनी सहेलियों को बुला ला, कुछ गाना बजाना हो जाए, इसका मन भी बहल जाएगा। अच्छा, मैं अभी बुलाती हूँ, फिर बाद में मुकर मत जाना। बस काम ना करना पड़े। चल कन्नगी, तू मेरे साथ चल। ये गले का कंठमाला नया नमूने का आया है और ये कान के झुमके भी नए हैं। अब अपनी पसंद से जो लेना है वो लो। देखो भाई, जो लेना है लो। हाँ, आओ भाई आओ, सब नए तरह के जेवर है। ये गले का कंठमाला है, ये कान के झुमके है, आपको अपनी पसंद से जो लेना है लो। लेना नहीं है मुझे, बेचना है। जड़ाऊ पायल है सोने की। बेचना है? हाँ। अच्छा, सामने राजश्री सोनार है, वो उसके यहाँ दिखा देना, शायद वो ले लेगा। अच्छा, धन्यवाद। देखो क्या चाहिए आपको, ये चाहिए ये। अच्छा, और क्या चाहिए? पायल बेचनी है। जाओ जाओ, कहीं और जाओ। कुछ खरीदना है तो बोलो। अरे सेठ, देख तो लो, रानियों के पहनने योग्य पायल है। अच्छा, बातें तो बड़ी लंबी चौड़ी करता है। लाओ दिखाओ। ये देखो। अरे ये तो बिल्कुल वही। चुप रे, बीच में बोलता है। जा अपना काम कर। ये तो सचमुच रानियों के पहनने योग्य है। मैं महाराज से बात करूंगा, चाहेंगे तो महाराज अपनी रानी को उपहार देंगे। वैसे भी मैं महाराज से मिलने ही जाने वाला हूं। तुम वहां रुक जाना, मैं अभी आता हूं। जल्दी आइए। हाँ, बस अभी गया और आया। अच्छा, नमस्कार। मूर्ख, मरवाएगा, फिर कभी बीच में बोला तो मुंह सिला दूंगा। और वो पायल तो बिल्कुल रानी के पायल जैसी है जो हमने चुराई थी। अब क्या करें? महाराज के सर पर
शक का जो भूत सवार है उसे जो उतारना है, बस मैं अभी आया। कर रही है, अब कभी उनको बुलाइए ना। अच्छा तो कर रही है, इसकी मुद्राएं देखो, अभिनय देखो, वाह। मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें शास्त्रीय नृत्य की समझ नहीं है, फिर भी नृत्य पूरा होने तक रुको। मेरा सर दुख रहा है, क्षमा कीजिए। तुम नृत्य जारी रखो। नहीं नहीं, फिर कभी। महाराज, राजसी स्वर्णकार आपके दर्शन करना चाहते हैं। महाराज, महाराज एक खास खबर है। महाराज कहो, क्या बात है? वो चोर मिल गया महाराज, जिसने हमारी महारानी जी के पायल की चोरी की थी। पकड़ा गया? अभी नहीं। क्यों? तो फिर उसे स्वर्ण पदक देना है क्या? बात यह है महाराज कि मेरे लिए उसे पकड़ पाना संभव नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। अगर कुछ सैनिक मेरे साथ चलें तो? जाओ, दो सैनिक अपने साथ ले जाओ। यदि उसके पास पायल मिल गई तो उसे मारकर पायल वापस ले आओ। जी जी महाराज जी। पायल मिलने से रानी को बहुत खुशी होगी। ये रहा वो चोर, मार डालो उसे। सूरत से तो ये चोर लुटेरा लगता नहीं। क्यों, चोर के सींग लगे होते हैं क्या? मैं जानता हूं ये चोर है। हमने मार दिया और इसके पास पायल न निकली तो? ये पायल उसकी थैली में है, अपनी आंखों से देख चुका हूं। मैं सोचता हूं इसे जगा लेना चाहिए। क्यों, जगाने की क्या जरूरत है? अरे आप आ गए, थका हुआ था इसलिए थोड़ी नींद लग गई थी। क्या कहा महाराज ने? इन लोगों को भेजा है, चलो दिखा दो अब। हाँ हाँ, ये देखिए महारानियों के पहनने योग्य पायल है। अब तो तसल्ली हो गई, ये वही पायल है जो मैंने महारानी के लिए बनाई थी। और चोर भी सामने है। चोर?
क्या हुआ महारानी? महाराज का न्याय दंड झुक गया है, उनका छत्र दल दल में गिरकर डूबा जा रहा है। न्याय की घंटों की ध्वनि से कान फटे जा रहे हैं। अवश्य ही कुछ अशुभ घटने वाला है। मैं महाराज को सावधान कर देती हूँ।
देवता जिसके नगर में राजा की तलवार निर्दोषों के खून से रंगी जाती है। बोलो द्वारपाल अन्यायी राजा के रखवाले, जाकर कह दो अपने राजा से वो अपने पायल जो उनके पापों का गला फोड़ने आई है। जाओ जाओ महाराज। महाराज क्या हुआ? महाराज मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है, कुछ अशुभ घटने वाला है। कुछ नहीं होगा, तुम्हारे मन का वहम है, सपनों पर विश्वास नहीं किया जाता। महाराज महाराज मुख्य द्वार पर एक स्त्री है महाराज, जैसे देवी का रूप हो, क्रोध में पागल है, हाथ में एक पायल है और महाराज आपके बारे में अनाप शनाप बक रही है। आने दो उसे। चाहती हूँ? न्याय चाहती हूँ तुझसे। न्याय ही मिलेगा, कहो क्या बात है। मैं हूं कन्नगी, चोला राज्य की राजधानी पुहार की रहने वाली। वही एक धनी व्यापारी का पुत्र भी रहता था, भाग्य चक्र उसे तेरे नगर ले आया। उसने सोचा था यहां आकर व्यापार करेगा, अपना भविष्य बनाएगा, परंतु जब वो स्वर्णकार के पास ये पायल बेचने गया तो तेरे सैनिकों ने उसकी हत्या कर दी। मैं उसी की पत्नी हूं, अब उसकी विधवा। तूने मेरे पति की हत्या की है, मुझे विधवा बनाया है। बोल यही है तेरा न्याय? मैंने तो न्याय ही किया है, एक चोर को एक अपराधी को दंड देना न्याय ही तो है। उसने महारानी की पायल चुराई थी। नहीं, वो पायल मेरी थी। इसका क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? मेरी पायल में रत्न भरे हैं। और तुम्हारी पायल में? मोती। मेरे चोर होने का प्रमाण है। एक स्वर्णकार की बातों में आकर किसी निर्दोष की जीवन लीला समाप्त कर देना ठीक नहीं। पहली बार मैं राजा का कर्तव्य निभाने में असफल हुआ हूं, इसका मूल्य चुकाना होगा। मुझे अपने आप को मृत्यु दंड देना होगा। नहीं ऐसा ना करिए महाराज। हत्या के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नहीं ना होगा, दिन में अनिष्ट करने वाले को दिन डूबने से पहले ही उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। नहीं। तुझे भी चुकाना होगा। मैं इस नगर और इस राजा को मिटा कर रख दूंगी, भस्म कर दूंगी, नाश हो जाएगा। मदुराई नगर के निवासियों सुनो, स्वर्ग में बैठे देवता तुम भी सुनो, मैं श्राप देती हूं इस नगर का सर्वनाश हो, मेरे निर्दोष पति की हत्या करने वाले राजा का भी सर्वनाश हो, सर्वनाश। अरे मनुष्य पतिव्रताओं, बच्चे बूढ़े अपंग और गुरुओं को छोड़कर देश का सर्वनाश कर दो, भस्म कर दो, राख कर दो। महाराज
मदुरई शहर के खाक हो जाने के बाद कन्नगी चेरा राज्य के पहाड़ी जंगलों में भटकती हुई पहुंची। वहां के सीधे साधे लोगों ने उसे देवी समझकर उसकी आराधना की। एक दिन चेरा राज्य के राजा शेंगुट्टुवन और उसकी रानी को कन्नगी के बारे में पता चला। राजा ने कन्नगी देवी के लिए एक मंदिर बनाने का निश्चय किया और राजकुमार इलंगो अडिगल ने कोवलन कन्नगी की कहानी पर एक महाकाव्य तैयार किया जिसमें उनके प्रसंग से मिलने वाली शिक्षाओं का उदाहरण दिया। धर्म पंथ को त्याग नृपति जब जलते राह चलता है। धर्म पंथ को त्याग नृपति जब जलते राह चलता है। प्रभु का कोप मौत बन करके आग उगलता है। प्रभु का कोप मौत बन करके आग उगलता है। पावन भक्ति की निष्ठा को करो सदा तुम वंदन। कर्मों का फल मिलता है। कर्मों का फल मिलता है। कर्मों का फल मिलता है। उस प्राचीन काल में हम एक ऐसी कौम देखते हैं जो उत्साह और जोश से भरपूर थी, जिसमें जिंदगी की उमंग और खोज निकालने का बलबला था। ख्याल की दुनिया में वो बुलंद से बुलंद पहाड़ चढ़े और कला के मैदान में सलाहियत की बेशकीमत नमूने दिखाए। और हम देखते हैं कि देश भर में एक सी सांस्कृतिक लहर फैलने लगी थी। उत्तर और दक्षिण इस साहस भरी मुहिम में शामिल हो गए, एक दूसरे से प्रेरणा।